पूरी जो टीम है उसका नाम हम लोगों ने दिया है, जो थाना प्रभारी, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर इसमें शामिल हैं, उनको जो है मेरे द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा प्रशस्ति पत्र से और पुरस्कार से, और हम लोग इनके इनको जो है पुरस्कृत करने का जो रिकमेंडेशन है वो डीजीपी महोदय को भी भेजेंगे। और इसके बाद अभी जो पुलिस अधीक्षक हैं इनके नेतृत्व में हम लोगों ने डिटेल दिया है, लगातार पिछले 3-4 महीनों में 6 महीने के अंदर कई इंपोर्टेंट माओस पकड़े गए हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुमला जो बहुत अधिक माओवादी प्रभावित इलाका था, वहाँ पर लगातार इस तरह की अचीवमेंट होने से, मुठभेड़ में उग्रवादियों के मारे जाने से या उनकी गिरफ्तारी से और सरेंडर से, उग्रवादी गतिविधियाँ बहुत कम हुई हैं। और लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी गुमला में बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शन कराया गया था, और जो टीम है पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वो सुनिश्चित करेगी कि विधानसभा चुनाव भी कम्प्लीटली जो है पीसफुल रहे। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी किस रूप के निर्देशानुसार और पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, डीजीपी महोदय के नेतृत्व में जो लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान झारखंड राज्य में चल रहा है, उसमें गुमला में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। गुमला के पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम के नेतृत्व में जो भाकपा माओवादी के कोयल शंख जोन के सब जोनल कमांडर रंथु उराव हैं, जिनके ऊपर में सरकार के द्वारा 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है, उनकी अरेस्टिंग की गई है, और उनके साथ में 4 अन्य लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग की गई है। रंथु उराव गुमला में बहुत ही महत्वपूर्ण माओवादी कमांडर रहा है, जो कि गुमला, सिमडेगा और लातेहार में 77 लगभग कांडों में वांछित हैं। कई बहुत ही गंभीर घटनाएं जिनमें पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, चैनपुर थाना अंतर्गत, गुरदली थाना अंतर्गत और गुमला के अन्य इलाकों में उन घटनाओं में ये शामिल रहा है। इसके अलावा इनके साथ में अन्य 4 लोग भी अरेस्ट हुए हैं, टोटल 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, और इनकी अरेस्टिंग के बाद हम लोगों को काफ़ी वेपन की रिकवरी हुई है। 1 कार्बाइन है जो रिकवर हुई है, 3 .315 की राइफल है वो रिकवरी हुई है, 3 कंट्रीमेड पिस्टल हैं और 1 कंट्रीमेड राइफल है। इसके अलावा लगभग 100 से ज़्यादा कारतूस भी हैं जो मिले हैं, और कुछ IDs की भी रिकवरी हुई है। तो विधानसभा इलेक्शन के ठीक पहले लगातार अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, रांची रेंज में भी हम लोग लोहरदगा में, खूंटी में, गुमला में, हर जगह चला रहे हैं। तो पुलिस अधीक्षक गुमला का ये एक्सीलेंट वर्क है, उनको एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बेसिकली रंथु उराव और उनके 4 साथियों की अरेस्टिंग हुई है। ये अरेस्टिंग गुमला थाना अंतर्गत अंजन और हिरनाखाड़ जंगल और कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र से अरेस्टिंग हुई है, और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ के बाद ये वेपन जो हैं 5-6 वेपन्स और जो 100 से ज़्यादा कारतूस की लोगों को रिकवरी हुई है। खास तौर पर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये जो अरेस्टिंग है बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय ये अरेस्टिंग हुई है जिस समय ये लोग विधानसभा इलेक्शन को प्रभावित ना कर पाएँ और पूरी तरीके से हिंसा से मुक्त और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कराने में हम लोग इस कारण से सक्षम होंगे। सर, ऐसा लगता है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद